never mind. हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो फाइनली अपन लेके आ चुके हैं एक और सेटिस्फैक्ट्री का एपिसोड। ओके, सो रिसेंटली एपिसोड में यार हमने करीब 65 हार्ड ड्राइव हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हमें करना था उनका रिसर्च। ओके, सो चलो यार फिर अपन करते हैं स्टार्ट। ओके, सो मैंने क्या किया है कि रिसर्च यहाँ पे ना 10 मिनट लगता है एक हार्ड ड्राइव को करने में, और जितनी ज़्यादा रिसर्च हो सकती थी ना मैंने सारी कर ली। ओके, और मैंने टोटल 27 हार्ड ड्राइव रिसर्च करी है प्लस 38 अपने पास बची हुई है। अभी अपन अगर इससे रिसर्च करेंगे ना तो कोई रिसर्च आएगी नहीं, क्योंकि हमने सारी की सारी अल्टरनेट रेसिपी ले ली हैं जितनी भी थी गेम में, और वो अपने को हार्ड ड्राइव वापस कर देगा क्योंकि अभी कोई रेसिपी बची ही नहीं है रिसर्च करने के लिए। ओके, सो अभी अपनी यहाँ पर आ चुकी है, हब टर्मिनल पर आ चुके हैं सारी रेसिपी जो जो हमने रिसर्च करी है 27 यहाँ पर हैं। आज अपने को उनको रिसोर्स देना है प्लस उनको करना है अनलॉक। ओके, मेरे पास सीरियसली आयरन और नहीं है। मैंने ट्राई किया था सारा रिसोर्स लेके आने का, ओके, लेकिन आयरन और मिशिंग है यार अपना। चलो फिर आयरन और भी हम लेके आते हैं, 100 आयरन और चाहिए यार अपने को ओनली। चलो कोई ना, आयरन और तो हम आसानी से लेके आ सकते हैं। यहाँ पे तो लाइमस्टोन है, ओके। चलो यार अपना आयरन और मिल गया, अभी अपने को चलना है वापस और अब भी करनी है अपने को जाके रिसर्च। ओके, लेट्स गो। चलो भैया इजी पीजी पहुँच चुके अपन ऊपर, और आज अपने को यार सारी अल्टरनेट रेसिपी की रिसर्च कर डालनी है ताकि अपना कम रिसोर्स लगे बनने में नए प्रोडक्ट। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं, पहले टायर चाहिए। ओके, सो अपने को सबसे पहले चाहिए एक स्क्रू की रेसिपी है, तो अपने को इसको अनलॉक करने के लिए 50 आयरन इंगट देने पड़ेंगे। ओके, चलो भाई फिर देते हैं 50 आयरन इंगट। यस, रेडी फॉर लॉन्च। चलो अपनी हो चुकी है अनलॉक। यस, अनलॉक न्यू पार्ट्स। ओके, अभी अपने को जाना है आयरन इंगट वाला। ओके, सो ये आयरन इंगट का क्या लफड़ा है कि अपन अगर इसको एक आयरन और एक कॉपर देंगे ना तो ये 3 आयरन इंगट बनाएगा एक बनाने की बजाय, यानी 3 गुना ज़्यादा बनाएगा। ओके, सो चलो फिर इसको भी अनलॉक करते हैं। लेकिन वैसे आयरन इंगट आयरन से ही बन जाता है, अगर हम इसको कॉपर और दे देंगे ना एक, तो फिर एक ही जगह ही 3 बनाएगा, इसीलिए ये रेसिपी ली हमने अल्टरनेट वाली। या लेट्स गो, सेकंड हो चुकी है अपनी अनलॉक। नाइस, चलो फर्स्ट वाला टीयर पे सारी सारी अनलॉक हो चुकी है अपनी, और ये वाली पॉकेट डायमेंशन की अपने 5 इन्वेंट्री स्लॉट्स बढ़ जाएंगे। ओके, अपने पास ओके, सो अभी अपने पास हैं करीब 60। ओके, 60 अपने पास हैं स्लॉट्स। ओके, अभी अपने 5 और बढ़ जाएंगे, यानी 65 हो जाएंगे अभी अपने पास। सो ये वाली की और रिसर्च अपन कर लेते हैं। चलो इजी, क्योंकि हार्ड ड्राइव मैंने पहले ही कर ली थी यार, 10 मिनट लगते हैं, कई घंटे लगे सारी हार्ड ड्राइव रिसर्च करने में। सो ताकि अपन जल्दी जल्दी अनलॉक कर सके इसको। ओके, फ्री टाइम में मैंने सारी रिसर्च कर ली थी ये वाली यार, रेनफोर्स आयरन प्लेट की। चलो इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन जो रिसर्च कर रहे हैं ना इनकी वजह से अपना प्रोडक्शन ना ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। ऑलरेडी कुछ जो अपनी अभी बन रहे हैं ना प्रोडक्ट, जैसे एक स्टार्टर का, तो वो जैसे हम यहाँ से रेसिपी करेंगे ना वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ज़्यादा वाली रेसिपी आ जाएगी। ओके, सो ये अपना कैटरियम। ओके, कैटरियम वायर अभी अपन किससे बना सकते हैं मे बी। सो ये कैटरियम वायर वाली क्या थी कि अपन एक कैटरियम इंगट से ना 9 वायर बना सकते हैं, नॉर्मल वाली वायर कैटरियम इंगट से। ओके, सो चलो ये वाली कर लेते हैं। इसके लिए अपने को चाहिए 100 क्विक वायर, वेरी क्विक वायर, और 50 रबर चाहिए अपने को। सो रबर, यस। चलो कैटरियम वायर भी अपनी अनलॉक हो चुकी है, अभी चलते हैं टीयर 4 पे, और यहाँ पे तो काफ़ी सारी रिसर्च है भाई करने के लिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं मॉड्यूलर फ्रेम से ही। सेलेक्ट माइलस्टोन,
देखो ये वाली, अगर जैसे हम इसको रिसर्च करेंगे ना वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मॉड्यूलर फ्रेम का। चलो और इसको चाहिए स्टार्टर, सॉरी रोटर चाहिए इसको 25। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ओके स्टार्टर वाली, यस स्टार्टर बनाना अपने को, सेलेक्ट 25 प्लस अनदर 25। चलो यार स्टार्टर वाली भी हो गई अपनी अनलॉक। ओके एक बार देख लेंगे सबको अपन रिसर्च करके। और रोटर की रेसिपी, इसको भी आयरन प्लेट चाहिए, स्टार्टर चाहिए। चलो रोटर वाली भी हो गई है, और नेक्स्ट है अपनी मोटर वाली, लेट्स गो। ओके इनके ये सब करने के बाद अपनी बस सारी की सारी रेसिपी आ जाएंगी, अल्टरनेट वाली अनलॉक हो जाएंगी। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, ओके इसको करते हैं 100 चाहिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं नोबलिस्क, ओके ओनली 50 पाउडर चाहिए। चलो भैया हमने 50 पाउडर दे दिया है, और ये भी अपनी अनलॉक हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके सो इसको चाहिए 10 क्रिस्टल ऑसिलेटर, और ये बीकन वाली अल्टरनेट रेसिपी है। नेक्स्ट देखते हैं सिलिका, ओके सिलिका के लिए अपने को रिइंफोर्स प्लेट चाहिए प्लस रोटर चाहिए। चलो भाई सिलिका की रेसिपी बन लग हो चुकी है, और नेक्स्ट है अपनी एनरिच्ड स्टील इंगर। ओ आयरन और 100 और चाहिए, सीरियसली आयरन और लेके आना पड़ेगा अपने को, प्लस कॉम्पैक्टेड कोल चाहिए। ओके ये पता नहीं यार कैसे खुलेगा, वैसे देखना पड़ेगा उसका। सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर चलते हैं अल्टरनेट हाई स्पीड कनेक्टर पे। ओके सो पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में जो बचेंगे उनको देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है उनका, क्योंकि अभी अपने पास उतने रिसोर्स है नहीं जो हमने अभी तक बनाए नहीं है। सो जितनी हो सकती है अनलॉक हम कोशिश करेंगे अनलॉक करने का। कैट्रियम सर्किट बोर्ड प्लास्टिक प्लस ये क्या क्विकवायर। चलो सर्किट बोर्ड की भी अपने पास आ चुकी है, ये है केबल रबर, अपन अभी रबर से केबल बना सकते हैं। चलो भैया ये भी अनलॉक हो चुकी है अपनी। ओके नेक्स्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए अपने को देना है फ्यूल प्लस रबर। ओके चलो फिफ्थ वाली भी अनलॉक हो चुकी है, सिक्स्थ वाली पे है टर्बो फ्यूल वाली, और इसको कॉम्पैक्टेड कोल देना है, लेकिन कॉम्पैक्टेड कोल अपने का मिलेगा कैसे यार, ये समस्या है। ओके नेक्स्ट वाला हीट सिंक, ये अपन अनलॉक कर सकते हैं, अपने पास 100 हैं और 500 वायर है ना शायद, यस 500 वायर। चलो हीट सिंक वाली भी अनलॉक हो चुकी है रेसिपी, क्योंकि 7th टायर वाले में अपने ज़्यादा अनलॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास रिसोर्स नहीं, 50 हीट सिंक चाहिए इसके लिए जो अपने पास नहीं है अभी। और टर्बो मोटर के लिए भी अपने पास नहीं है 50 कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट यूरेनियम सेल, ये वाली नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए अपने को यूरेनियम लेके आना पड़ेगा, ये वाली ज़रूर कर सकते अपन। ओके 100-250 क्विकवायर चाहिए इसको प्लस 50 स्टार्टर। चलो भैया अनलॉक्ड। ओके और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम, यूरेनियम सेल नहीं कर सकते, न्यूक्लियर रोड भी नहीं कर सकते अपन क्योंकि इसके लिए ना ये चाहिए यूरेनियम, तो ये मैं लेके आऊँगा बाद में और इसको कर लेंगे हम। ओके सो 7th वाली पे अपन अभी नहीं कर सकते, 6th वाली पे टर्बो फ्यूल। ओके सो इसके लिए कॉम्पैक्टेड कोल चाहिए, अभी कॉम्पैक्टेड कोल का लफड़ा क्या है ये देखना पड़ेगा अपने को, और ये बनेगा कैसे कॉम्पैक्टेड कोल। ओके यहाँ से देख लेते हैं, कोल को बनाने के लिए कुछ तो होगा यार कॉम्पैक्टेड कोल। ओके आई डोंट नो यार कॉम्पैक्टेड कोल बनेगा कैसे, मैं करता क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च तो अभी कर ही लिया, मैं ट्राई करता हूँ कि एक हार्ड ड्राइव और करने का, हो सकता है कोई रेसिपी निकल आए अपनी। ओके
चलो एक हार्ड ड्राइव लगा देते हैं रिसर्च पे, मे बी हो सकता है कि कोई रिसर्च निकल आए अपनी कॉम्पैक्टेड कॉल के लिए। वैसे कोई आइडिया नहीं मुझे बनेगा कैसे वो, स्मेल्टर से तो इंगट बनेंगे मे बी। ओके सो यहाँ पे भी कोई भी नहीं है मे, ओ नहीं ये कॉम्पैक्टेड कॉल नहीं है यार। तो ये बायोमास कॉल था, ये था वुड कॉल। ओके ओके सो हमने जो आज अनलॉक करी है ना, एक तो ये थी अपनी अल्टरनेट वाली कैटरियम वायर वाली। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक कैटरियम से और नो वायर बना सकते हैं। स्क्रू वाली में अपन कर सकते हैं दो इंगट से अपन 12 स्क्रू बना सकते हैं। ओके और बायोमास कॉल में अपन ना बायोमास से बना सकते कॉल, और वुड वाले में वुड से कॉल बना सकते हैं। सिलिका अपन बना सकते हैं दो, उससे क्या था वो क्रिस्टल था वो शायद। ओके रॉक ओर से, और ये सारी नॉर्मल है। स्टील, स्टील से भी हम स्क्रू बना सकते हैं, 136 स्क्रू बना सकते हैं हम। सो एक काफ़ी अच्छी है ये वाली रेसिपी भी। ओके सो कॉम्पैक्टेड कॉल का बस पता करना है दरअसल लफड़ा क्या उसका, और हो सकता है उसकी कोई रेसिपी वगैरह निकल आए। वैसे बायोफ्यूल हमने अनलॉक कर लिया क्या, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को बायोफ्यूल के लिए। ओके सो कॉम्पैक्टेड कोल बनेगा कोल और सल्फर से। ओके सो मैं करता क्योंकि 100 अपने को बनाना है। ओके सो मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, 100 में बना लेता हूँ कॉम्पैक्टेड कोल। ओके सो वैसे अपने को चाहिए किस किस में ये एक बार देख लेते अपन। ओके सो ये तो अपने को आयरन ओर लेके आना 100 प्लस 25 यहाँ पे चाहिए, एंड सिक्स वाले के लिए चाहिए 125 चाहिए अपने को। ओके सो मैं फटाफट 125 बना के आता हूँ और 100 आयरन ओर लेके आता हूँ। ओके फिर इसके बाद वो रिसर्च करेंगे अपन कंप्लीट। ओके सो यहाँ पे अपने पास काफ़ी सल्फर पड़ा हुआ है, हमने सल्फर उठा लिया है प्लस कोल हमारे पास पड़ा ही हुआ है। ओके बस जाके अपने को बनाना है ओनली फटाफट। ओए फिर वापस जा रहा हूँ मैं। ओके सो अभी अपन आ चुके हैं अपने हप्पे। ओके और अपने को बनाना है 125। ओके सो कॉम्पैक्टेड को नहीं बना सकते यहाँ से, एक्चुअली वो मशीन से ही बनेगा इसीलिए अपने को मिल नहीं रहा था वहाँ पे। ओके सो ये सिलेक्टेड है अपनी, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉम्पैक्टेड कोल पे। ओके और इसके अंदर डालते हैं अपन कोल डालते हैं प्लस सल्फर डालते हैं। ओके और मैं इसमें लगा देता हूँ पावर शेड्स ताकि फटाफट अपने बना दे। ओके 60 पर मिनट, अपने को 1-1.5 मिनट लगेगा बनने में, और तब तक हम हार्ड ड्राइव देख लेते हैं कितनी देर होगी हार्ड ड्राइव को। 4 मिनट हो चुके हैं, मे बी हार्ड ड्राइव अपने को वापस मिल जाए क्योंकि कोई रिसर्च बची नहीं है। हो सकता है कोई हो तो देख लेंगे एक बार और, मैं ऑलरेडी एक बार चेक कर चुका हूँ। ओके सो 60 पर मिनट, 25 आ जाए तो एक रिसर्च अपन कर सकते हैं। यस चलो एक रिसर्च अपन कर लेते हैं, 25 वाली थी ना एक ब्लैक पाउडर वाली। यस सेलेक्ट करते हैं प्लस 25 देते हैं इसको। चलो ब्लैक पाउडर वाली भी रेसिपी अनलॉक हो चुकी है। यस ओके सो डबल वाली रेसिपी अपनी यहाँ पे थी। ओके सो स्टार्ट होती वो यहाँ से मे बी। यस स्टिच आयरन प्लेट। ओके स्टिच्ड यानी रिनफोर्स वाली ये है प्लेट से और वायर से। ओके और दूसरी वाली थी जो वो थी प्लेट से और स्क्रू से, ये थी प्लेट से और वायर से। ओके दोनों बनाएंगे, तीन तीन ही बनाएंगे। ओके और मॉड्यूलर फ्रेम वाली थी पाइप लगेगा उसमें, थोड़ा डिफरेंट है ये पाइप वाली और रिनफोर्स आयरन प्लेट। स्टार्टर की थी जो अपनी थी वो थी किक वायर प्लस स्टील पाइप। ओके मुझे लगा स्टील पाइप किक वायर की जगह वायर था वो। ओके ओके सो नेक्स्ट था स्टार्टर वाला कंक्रीट। कंक्रीट ज़्यादा बनेगा अगर हम इसको एक वो दे दें सिलिका, तो सिलिका की रेसिपी है प्लस सर्किट बोर्ड हो गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके लिए अपने को हाई स्पीड कनेक्टर चाहिए। वाह सीरियसली हीट सिंक की है अपने पास एक,
रेसिपी प्लास्टिक की है। प्लास्टिक के लिए अपन फ्यूल देके फिर प्लास्टिक बना सकते हैं, रबर और प्लास्टिक देके। वाह, केबल की आ चुकी, एक ब्लैक पाउडर की आ चुकी। ओके सो ये ब्लैक पाउडर का प्रोडक्शन में भी अभी बढ़ गया होगा। ओके क्योंकि ब्लैक पाउडर की नॉर्मल वाली रेसिपी उसको एक एक चाहिए, एक चाहिए प्लस दो चाहिए, तब जाके वो बनता है एक, और इसमें अपोजिट हो गया है, और जबकि चार गुना ज़्यादा बन रहा है। ओके सो मे बी 72 ईयर्स, चलो इसके अंदर और डाल देते हैं हम लोग। ओके मे बी ये बनता है इतने अपन, या फिर रेसिपी अनलॉक करके चलते हैं नीचे की तरफ, अदरवाइज अपन देख के आ सकते हैं इतने। ओके नीचे देख के आते हैं, जो अपना ब्लैक पाउडर वाला प्रोडक्शन था ना वो नेक्स्ट लेवल चलेगा अभी, क्योंकि अगर अपने नेक्स्ट वाली सेलेक्ट कर दे तो अभी अपने को ज़्यादा सल्फर और कोल नहीं चाहिए, ओनली थोड़ा सा चाहिए। वैसे तो ब्लैक पाउडर अपना काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। ओके सो अभी यहाँ पे 7.5 पर मिनट बन रहा है, ठीक है, और इसको 7.5 और 15 चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ अल्टरनेट वाले पे, अभी देखो अभी 15 बनेगा, ठीक है, लेकिन इसको कॉम्पैक्टेड कोल चाहिए। वाओ ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। ओके 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 सो अपने को करना क्या पड़ेगा कि कोल की जगह इसको देना पड़ेगा कॉम्पैक्टेड कोल, यानी पहले एक मशीन कॉम्पैक्टेड कोल की बनानी पड़ेगी और फिर इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा कोल को। ओके तो अभी अपना ये सेटअप कर दिया अपने को। ओके सो अगर अपन नेक्स्ट वाला करेंगे ना तो कर सकते हैं, ये तो कन्फ्यूजन बढ़ा यार इनमें एक दूसरे प्रोडक्ट में कौन कौन से क्या बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट से। ओके सो ये था अपना कोल, ओके और ये था अपना कॉम्पैक्टेड कोल, और एक कॉम्पैक्टेड कोल को बनने के लिए चाहिए एक एक। ओके यहाँ पे देख रहे हो ना, एक एक सही बन जाएगा अपना, एक बन जाएगा कॉम्पैक्टेड कोल। सो यानी कि अपने को सल्फर देना पड़ेगा 3 प्लस कोल देना पड़ेगा 2। ओके और उससे बनेगा अपना 4 बनेगा उससे, अदरवाइज बनना चाहिए था 2 ही। ओके यानी डबल प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं अपन चाहे तो इसका, बस अपने को थोड़ी मशीनें बनानी पड़ेंगी कॉम्पैक्टेड कोल के लिए। ओके सो वैसे तो अपना प्रोडक्शन चल रहा है बढ़िया, अपन चेंज भी कर सकते हैं नो इश्यू करना चाहे तो। और फिलहाल चलते अपनी एक दो रेसिपी और बची है उनको भी रिसर्च कर लेते हैं, और फिर ट्राई करेंगे यार नेक्स्ट वाले एपिसोड में अपन एलकेड एलुमिनियम शीट बनाने का। ओके ब्रोक्साइट वगैरह लेके आएंगे और फिर बनाएंगे, ताकि अभी तक हमने यार MK5 कन्वेयर बेल्ट नहीं बनाई है, सो उसी का ट्राई करेंगे अब की बार, क्योंकि नए वाले प्रोडक्ट हमने अभी बनाने स्टार्ट नहीं करे, सो वही अपन करने वाले हैं नए वाले प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट। ओके यस कॉम्पैक्टेड कोल आ गया अपने पास, चलो अभी बाकी वाली रिसर्च भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे थी मे बी, ओ सीरियसली मैं अभी भी नहीं लेके आया यार ये वाला कॉपर, तो मैं अभी भी नहीं लेके आया, वाह कॉपर भी लेके आएंगे। चलो पहले इसको अनलॉक कर देते हैं अपन, 100 देते इसको 100 चाहिए ओनली। ओके और ये क्या है फ्यूल, फ्यूल देना 100। ओके चलो अभी टर्बो फ्यूल भी अपन बना सकते हैं। ओके सो सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए अपने को 100 चाहिए, जो कि अपने पास है 200। ओके कोल ही चाहिए, ओके 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 प्लस यहाँ पे तो मे बी और अनलॉक नहीं कर सकते अपन। ओके सो बस ये बचा अपना, ये मैं कर देता हूँ अनलॉक। ओके सो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट माई स्टोन प्लस ये कर लेते हैं हम यहाँ पे, और अपने को 100 चाहिए ओनली, सो 100 में ले जाता हूँ कॉपर जाके। ओके सो अपने पास आ चुका है फाइनली 100 और आ चुका है। ओके 100 कोपा सॉरी आयरन, चलो ये अपनी बची थी एनरिच्ड स्टील इंगट वाली, ये भी अपनी हो चुकी है अनलॉक। ओके अभी अपने पास ओनली 7th वाले भी बचे हुए हैं रिसर्च करने के लिए, और मैं क्या सोच रहा था देखता हूँ जरा, 50 अपने को चाहिए हीट सिंक। ओके 50 हीट सिंक चाहिए, या फिर रेडियो कंट्रोल यूनिट, अगर अपने पास 50 हुए तो अपन अभी कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर अपने को
बाद में ही करना पड़ेगा रिसर्च इसका। ओके सो मैं ट्राई करता हूँ एक बारी फाइंड करने का। ओके यहाँ पे 55 मिल चुके हैं, वाह हीट सिंक प्लस। नेक्स्ट अपने को कुछ चाहिए था, मे बी मोटर चाहिए थे, शायद मोटर चाहिए थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 55 हीट सिंक अपने को मिल गए और वो कर सकते हैं अपन अभी। यस ये वाली नहीं, अपने को चाहिए थे रॉक कोर्स चाहिए थे। ओके चलो कहाँ पे भाई अपना हीट सिंक, चलो रॉक कोर्स भी मैं ले आता हूँ, रॉक कोर्स तो नीचे ही बन रहा है अपना। ओके चलो यार एक रेसिपी और अनलॉक हो जाएगी अपनी। ओके सो ये लो भाई अपनी रेडियो कंट्रोल यूनिट की भी हो चुकी है रेसिपी अनलॉक, नाइस। अब भी है टर्बो मोटर के लिए, जिसके लिए चाहिए अपने को रेडियो कंट्रोल यूनिट, हो सकता है रेडियो कंट्रोल यूनिट भी अपने पास हो, सो क्यों ना एक बार और चेक कर लिया जाए रेडियो कंट्रोल यूनिट के लिए। इधर तो नहीं रखा है कोई। ओके सो मे बी रेडियो कंट्रोल यूनिट अपने पास है नहीं। ओके और उसको देखते हैं जरा वो बनता कैसे है, हो सकता है अपन बना ले रेडियो कंट्रोल यूनिट, उसके लिए हीट सिंक सही है, नहीं बना सकते अपन। 50,000 यानी कि अपने को 200 तो यही चाहिए, 200 हीट सिंक चाहिए तब जाके एक बनेगा। ओके सो ये तो काफ़ी टाइम लेगा 50 बनने में। ओके सो ये वाली रेसिपी फिर हम नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं अभी के लिए। ओके और हार्ड ड्राइव देख लेते हैं अपनी। ओके नो रिसर्च अवेलेबल, ओके रिटर्न टू यू, यस वापस आ चुकी है अपनी हार्ड ड्राइव, जो कि अपने पास कोई रेसिपी बची नहीं है अभी अनलॉक करने के लिए। ओके चलो ओके सो आज वाले एपिसोड में यार हमने ओनली रिसर्च अनलॉक करी अपनी। ओके ये एक शॉर्ट वीडियो था अपना। ओके सो क्योंकि नेक्स्ट वाले में अपन बनाने वाले एलकेड एल्युमिनियम सीट वगैरह, और जो बाकी की रेसिपी है ना इनको भी मैं ट्राई करता हूँ ये लेके आने का, यूरेनियम क्योंकि रख के लेके आना पड़ेगा अपने को, सो फिर इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी अपने को। ओके सो ये दोनों भी अपन अनलॉक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इनमें, बस अपने को यूरेनियम लेके आना है वहाँ से। मेरे को थोड़े फिल्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि अपन रख के लेके आएंगे तो, क्योंकि रख के लेके आएंगे ना तो अपना काफ़ी फास्ट स्पीड से हेल्थ गिरेगी, सो उसके लिए अपने को फिल्टर बनाने पड़ेंगे ताकि अपन फटाफट ला के और रेसिपी अनलॉक कर सकें। नेक्स्ट टर्बो के लिए तो थोड़ा मुश्किल है अभी, रेडियो कंट्रोल यूनिट पहले बनाएंगे उसके बाद ही रिसर्च करके तब भी मोटर बनाएंगे अपन। ओके क्योंकि 50,000 बहुत मुश्किल है बनाना। चलो फिर अपन अभी के लिए इतना ही करते हैं आज के एपिसोड में, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में अपन जाएंगे अपने ब्रोकसाइट वाले एरिया पे और अपनी करेंगे रिसर्च, सॉरी एलकड एल्युमिनियम सेट बनाएंगे। ओके सो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को तो करना ही जरूर सब्सक्राइब। ओके और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।